हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष गहलोत आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ट्रेवर्सल। हमने फ्रेंड्स ट्री का ट्रेवर्सल किया था, उसमें हमने तीन एल्गोरिदम पढ़ी थी, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, जब हमने ट्री की ट्रेवर्सिंग की थी तो मैंने आपको ये तीनों एल्गोरिदम एक्सप्लेन की थी। आज हम कर रहे हैं ग्राफ की ट्रेवर्सिंग। ठीक है, ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स वी हैव टू विजिट ईच एंड एवरी नोड्स एग्जैक्टली वंस। हमें ग्राफ में जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं, वर्टाइसिस हैं, उनको हमें विजिट करना है, एटलीस्ट एक बार तो विजिट करना ही करना है। ठीक है, ग्राफ की ट्रेवर्सिंग के लिए हम यूज में लेंगे फ्रेंड्स दो एल्गोरिदम। एक है ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS और दूसरी एल्गोरिदम है डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो एल्गोरिदम है फ्रेंड्स, उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे क्यू, जो कि कंसेप्ट है फीफो का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए हम यूज करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, जो कि बेस्ड है लीफो कंसेप्ट के ऊपर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल से हम अपने एल्गोरिदम की स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च, आज के वीडियो में मैं आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक्सप्लेन करूंगा और इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS एल्गोरिदम एक्सप्लेन करूंगा। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं। पहली बात यह है कि हम इस एल्गोरिदम में, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, हम यूज लेंगे क्यू का कंसेप्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपको क्यू का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारे प्रीवियस के प्लेलिस्ट में, ठीक है, DSE की प्लेलिस्ट में वीडियोज हैं, उसमें आप जाके आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके, और फ्रेंड्स जो दूसरी बात यह है कि मैंने आपको ट्री और ग्राफ के बीच में डिफरेंस बताया था, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि बेसिकली ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही स्टार्टिंग नोड होता है, उसे हम कहते हैं रूट नोड, जबकि ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी स्टार्टिंग नोड नहीं होता है, सारे नोड एज ए रूट नोड की तरह बिहेव करते हैं और कोई भी एक ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, इस ग्राफ में भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, आप जिस किसी भी नोड से चाहें आप ग्राफ की ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आंसर आएगा वो जरूरी नहीं कि यूनिवर्स में वो फिक्स हो। ठीक है, एन नंबर ऑफ आंसर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स इस पर्टिकुलर एक एग्जांपल से निकल सकते हैं, बहुत सारे आंसर्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई किसी एक पर्टिकुलर आंसर को फिक्स नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफ में स्टार्टिंग नोड नहीं होता है, आप जिस किसी भी चाहे नोड से अपने ग्राफ की ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमने यहां माना कि मैं यहां वर्टेक्स ए से स्टार्ट कर रहा हूं, आप चाहें तो किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर आपको जैसे ये एरो से दे रखा है हुआ, अगर जहां एरो दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि आपको ग्राफ की स्टार्टिंग यहां से करनी है, और आपको क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, दे सकते हैं क्वेश्चन में कि आपको ग्राफ की स्टार्टिंग इससे करनी है। यहां एरो मैंने लगाया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ आपके आपको ग्राफ की स्टार्टिंग वर्टेक्स ए से करनी है। ओके, सो वी स्टार्ट विद द वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए से हम स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट ये है फ्रेंड्स कि आपको वर्टेक्स ए, जो भी वर्टेक्स है जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं, उससे आउटगोइंग जितनी भी एजेस जो जा रही हैं उसको आप क्यू में पुटअप कर दीजिए और वर्टेक्स ए को आप विजिट कर दीजिए। सो वर्टेक्स ए को हम विजिट करेंगे, आउटपुट में लिख देंगे हम वर्टेक्स ए। ठीक है, ये विजिट हो गया है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे डॉटेड कर दिया है ताकि अभी विजिटेड है, इसको हमें अगेन विजिट नहीं करना है। ठीक है, और वर्टेक्स ए से पास आउट एजेस कौन कौन सी है, कहाँ कौन कौन से वर्टेक्स है जहाँ पर वो पहुँच रही है, बी और एस। ठीक है, आप बी और एस को आपको किस में पुटअप करना है, क्यू में पुटअप करना है। आप चाहें तो इसको अल्फाबेटिकली भी पुटअप कर सकते हैं, बी पहले और एस बाद में, अगर आप नहीं चाहें तो एस को पहले पुटअप कर सकते हैं और बी को बाद में रख सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही आप क्यू में इसको इंसर्ट करें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले मैं अगर बी डालूं फिर बाद में एस डालूं, या पहले एस और बाद में बी, तो आंसर भी उस हिसाब से क्या होगा, वेरी होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने कहा कि ग्राफ में ट्रेवर्सिंग में बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं, कोई एक आंसर ज़रूरी नहीं कि वो फिक्स हो। सो मैं यहाँ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले जितने भी जो एडजेसेंट जो नोड हैं, एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, बी और एस, किसके, वर्टेक्स ए के, उसको मैं क्यू में इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई नोड नहीं है, सिर्फ दो ही हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ पे जो है वो खत्म होता है। अब यही स्टेप आपको रिपीटेडली करना है
कब तक? जब तक कि इस ग्राफ में सारे वर्टेक्स विजिट नहीं हो जाते, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वापस क्यू से। क्यू का कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें क्यू में पहले कौन इंसर्ट हुआ था? बी। तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? बी। तो आप इसको बी को हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे और इसको हम विजिट कर लेंगे बी को। क्या बी से कोई एडजेसेंट नोड्स हैं? क्या है? बट वो कौन है? सिर्फ ए ही है। ए को हम विजिट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा नोड है फ्रेंड्स? एस। एस को हम विजिट करेंगे, इसको विजिट कर लेंगे, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, एस को इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके जो एडजेसेंट नोड्स हैं कौन कौन से हैं? सी और जी। उसको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्यू में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यू में इंसर्ट कर देंगे फ्रेंड्स। वैसे तो एडजेसेंट नोड्स ए भी है, बट ए ऑलरेडी विजिटेड है, उसको हम वापस से विजिट सी और जी, ठीक है। दोनों नोड को हमने क्यू में इंसर्ट कर दिया। सबसे पहले कौन इंसर्ट हुआ था? सी। तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? ऑब्वियसली बात है सी। तो सी को हम डिलीट करेंगे यहाँ से और इसको हम विजिट कर लेंगे। सी को हमने विजिट कर लिया है, ठीक है, ओके। और इसके जो एडजेसेंट नोड्स हैं कौन कौन से हैं? डी, ई और एफ। एस ऑलरेडी क्या है? विजिटेड है, इसको हम अगेन विजिट नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, डी, ई, एफ और जी, इनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इंसर्ट कर देंगे। जरूरी नहीं कि आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करें, आप इन चारों नोड्स को किसी भी ऑर्डर में क्यू में इंसर्ट कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है। सो फ्रेंड्स, डी, ई, एफ और जी चारों, सॉरी जी नहीं है फ्रेंड्स, डी, ई, एफ और एस, ये चार इसके एडजेसेंट नोड्स है, जी नहीं है, सॉरी। सो एस ऑलरेडी विजिटेड है, तो बच्चे कौन से? डी, ई और एफ, इसको हम इंसर्ट कर देंगे। डी, ई और एफ, चलिए इंसर्ट कर दिया हमने, सी को विजिट कर लिया, ठीक है। स्टेप खत्म, वापस से हम रिपीट करेंगे, ठीक है, ओके। फिर आया क्या है क्यू में? क्या है? जी। जी सबसे पहले इंसर्ट हुआ है तीनों नोड्स के पहले, तो इस जी को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। जी को हम विजिट करेंगे, आउटपुट में लिख देंगे ये रहा जी आपका विजिट हो चुका है। जी के एडजेसेंट नोड कौन से फ्रेंड्स? एस, एफ और एच। एस हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, एफ और एच को विजिट नहीं किया है, तो हम इसको विजिट करेंगे और क्यू में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एफ ऑलरेडी जो है क्यू में है, उसको हम अगेन वापस क्यू में इंसर्ट नहीं करेंगे। एच जो है वो क्यू में नहीं है, तो हम इसको क्यू में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। स्टेप खत्म होता है, दोनों जो नोड हैं वो क्यू में इंसर्ट हो चुके हैं, ओके। चलिए वापस से हम देखते हैं डी, लास्ट फर्स्ट नोड नोड कौन सा हुआ है? डी। डी को विजिट करेंगे, डी को यहाँ से हम क्यू से डिलीट कर देंगे, ठीक है। डी का कोई एडजेसेंट नोड है? है, बट सी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, वापस से इसको विजिट नहीं करना है, ठीक है। देन डी के बाद में कौन सा नोड है? ई। ई को हम विजिट करेंगे फ्रेंड्स, ई को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद में इसको हम आउटपुट में लिख देंगे, विजिट भी कर लेंगे इस नोड को। डी का कोई एडजेसेंट नोड है फ्रेंड्स? दो नोड एडजेसेंट है, एक को तो हम विजिट कर चुके हैं, एक को नहीं किया है, बट एच ऑलरेडी उस क्यू में इंसर्टेड है, तो हम वापस इसको इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट जो नोड है फ्रेंड वो है एफ। एफ को हम यहाँ से डिलीट करेंगे, आउटपुट में लिख देंगे, एफ को विजिट कर लिया है। एफ के एडजेसेंट नोड सी और जी है, ऑलरेडी विजिटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट जो नोड है फ्रेंड्स हमारा कौन सा है? एच। एच को हम डिलीट करेंगे और विजिट भी कर लेंगे। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इस ग्राफ में जितने भी नोड्स हैं वो सारे विजिट हो गए हैं, तो हमारी एल्गोरिदम यहीं पे क्या होती है? स्टॉप होती है, ठीक है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट ऑफ बी एफ एस ट्रेवर्सल। बट फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये जो ट्रेवर्सल मैंने आपको बताया है ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ये यूनिवर्स में कोई ऐसा एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है जो फिक्स हो। ग्राफ ट्रेवर्सल बीएफएस ट्रेवर्सल के, बीएफएस और ट्रेवर्सल ट्रेवर्सल के बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं, एन नंबर ऑफ आंसर पॉसिबल हैं, ठीक है। कब? जब ये आउटपुट जो आया है, कब? जब मैंने स्टार्टिंग नोड किसको माना है? वर्टेक्स ए को।
अगर मैंने लेट्स से स्टार्टिंग नोड एफ को माना होता, सी को माना होता, तो ऑब्वियसली बात है ये आंसर बदल जाता, ठीक है। बट आपको प्रोसीजर ध्यान में रखना है कि प्रोसीजर क्या है। स्टार्टिंग नोड जिससे भी करेंगे, एडजेसेंट नोड से उन सबको हम एक बार के लिए किस में डाल देंगे, क्यू में डाल देंगे, और क्यू का जो फैशन है कि हम उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से ही हम करेंगे, तो सबसे जो पहला नोड इंसर्ट हुआ है उसके बाद से ही हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे उसको डिलीट करके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये ग्राफ ट्रेवर्सल जो फर्स्ट जो एल्गोरिथम आपने आज डिस्कस की है, BFS ट्रेवर्सल, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल, उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। और अगर आपका आज का वीडियो अगर ये पसंद आया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।